नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हैं कि इन दिनों लगातार महिलाएं देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से फेस जरूर कर रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कि चेहरे पर अनचाहे बाल। हम देख रहे हैं कि मर्दों की तरह महिलाओं में भी दाढ़ी आने की समस्या हो रही है, अनचाहे बाल आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है ये हम जानने वाले हैं। इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है ऋचा ठाकुर, जो कि बिहार की जानी मानी स्किन रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहिबा, आपने बताया था, आप बता भी रही थी इस बारे में कि आजकल लोग जो है अनवांटेड हेयर के समस्या से जूझ रही हैं महिलाएं, चेहरे पे दाढ़ी, जैसे जैसे मर्दों को दाढ़ी आते वैसे इनको भी बाल आ रहे, तो इसका कारण क्या है? एक्सेस हेयर, जिसे कि हम मेडिकल टर्म में हर्सुटिज्म कहते हैं, यह अभी के टाइम में काफ़ी कॉमन हो गया है, क्योंकि अब PCOS एक समस्या होती है जो अभी के यंग जनरेशन में काफ़ी कॉमन हो गया है। हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल या कुछ हॉर्मोन्स के कारण PCOS एक ऐसी समस्या है जिसमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, एक्ने देखा जाता है और चेहरे एवं चिन पे एक्सेसिव बाल, जो कि काफ़ी मोटे मोटे बाल होते हैं, और इस तरह के केसेस अब पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अब जैसा कि हम महिलाओं के बारे में बात करें, तो किन महिलाओं को आपने PCOD का भी जिक्र किया, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो किन महिलाओं को अगर PCOD छोड़ दे तो होने की संभावना है? रेगुलर बेसिस पे भी PCOS किसी को भी हो सकता है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आपके चेहरे पे एक्ने ज़्यादा है, तो जनरली इसे स्क्रीन करके ही पता चल सकता है कि किसे PCOS है और किसे नहीं है। बहुत बार कुछ महिलाएं या लड़कियां जिन्हें एक्सेस बाल होते हैं पर उन्हें PCOS नहीं भी होता है, तो वैसा कंडीशन में हमें अल्ट्रासाउंड और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के साथ PCOS को सबसे पहले रूल आउट कर लेना है, और जो भी एक्सेस बाल है उसमें हमें लेज़र करना होता है, जिससे ये पूरी तरह से चले जाते हैं। जैसा कि लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रही हैं, लेज़र ट्रीटमेंट को भी लेकर बहुत सारी लोग धारणाएं होती हैं कि एक बार इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हम अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों से कैंसरस हो सकता है, कैंसर की शिकायत हो सकती है, और जो स्किन है वो स्किन भी जल जाता है, ऐसे लोग बहुत धारणा बनाते हैं। लेज़र एक कम्प्लीटली सेफ, लेज़र एक साइंस है और ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हाँ, लेज़र अगर ब्यूटी पार्लर, डेंटल डॉक्टर या किसी भी इधर उधर वाले पार्लर के जगह पे किया जाए तो संभवतः आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि लेज़र के लिए हर इंसान, उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो आप लेज़र के लिए जब भी अपने सही डॉक्टर को चुने तो आपको कभी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और लेज़र बिल्कुल ही एक सेफ प्रोसीजर है जिसका कोई कैंसरस या किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। अगर लेज़र जो महिलाएं करा रही हैं उन्हें कितने दिनों में कराना चाहिए, कितने दिनों तक कराना चाहिए, और कितने दिनों तक आपसे मिलते रहना चाहिए या फिर कंटिन्यू मिलते रहने की ज़रूरत होती है? बालों के लेज़र के लिए डिपेंड करता है कि बालों का थिकनेस कैसा है। जिनके भी बाल बहुत घने या थिक वाले टिटी, तो वैसे केसेस में 6 से 8 बार लेज़र करना पड़ता है। अगर थिन बाल हैं तो वो 4 से 6 बार में ही चले जाते हैं, और लेज़र एक एक महीने के गैप पे किया जाता है। अगर लेज़र किया जा रहा है और जो महिलाएं लेज़र करा रही हैं, इन्हें अपना स्किन रूटीन कैसा रखना चाहिए, कोई ऐसी क्रीम जो हार्श हो सकता है चेहरे पे? हाँ, जब भी लेज़र होता है तो सबसे पहले ब्लीच स्किन पे नहीं करना होता है, क्योंकि ब्लीच के कारण आपके जो नॉर्मल बाल हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, और लेज़र कभी भी ब्राउन और गोल्डन बाल पे नहीं काम करता है, इसलिए ब्लीच का इस्तेमाल कम करना और रेगुलर सनस्क्रीन लगाना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है कि लोग महिलाओं के चेहरे पे जो अनवांटेड हेयर उग जाते हैं, क्या कारण है और किस तरीके से उनसे छुटकारा मिल सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप डॉक्टर ऋचा ठाकुर को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर महिलाओं के चेहरे पे अनचाहे बाल नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा बाल नज़र आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, इसका आखिर कारण क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।